अस्सलाम वालेकुम क्लास एडवांस। बेटा अपनी इस्लामियात की बुक ओपन करें। बुक पेज नंबर है 1313। क्या पेज है? 1313। 1313 पे सबक नंबर 4 है और इसका टॉपिक है अल्लाह ताला के पैगंबर। अल्लाह ताला के पैगंबर का जो सवाल है वो है सवाल नंबर 9 और लेक्चर नंबर वो है आपका 13। लेक्चर नंबर 13 में सवाल नंबर 9 है। ऊपर डेट मेंशन करें 19-06-2020। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम किस पैगंबर के बेटे थे? ठीक है, सवाल नंबर 9 है। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम किस पैगंबर के बेटे थे? इसका जवाब है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम किस पैगंबर के बेटे थे? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम किस पैगंबर के बेटे थे? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। मेरे साथ साथ पढ़े ताकि आपको अच्छी तरह याद हो। अगला सवाल नंबर 10 में किस पैगंबर ने उंगली के इशारे से चांद के दो टुकड़े कर दिए? बेटा ये अल्लाह ताला की तरफ से भेजे गए जो पैगंबर हैं उनमें से कौन से पैगंबर थे जिन्होंने उंगली से इशारा किया था और चांद के दो टुकड़े हो गए थे? इसका जवाब है हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। किस पैगंबर ने उंगली के इशारे से चांद के दो टुकड़े कर दिए? हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। जब चाँद की तरफ इशारा किया था तो चाँद पहले राउंड शेप में था, जब उन्होंने इशारा किया तो चाँद के दो टुकड़े हो गए थे, सेंटर से अलहदा हो गया था चाँद। ठीक है, दोनों ये सवाल आपने अच्छी तरह से जवाब याद करने हैं और अपनी मामा को सुनाने हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।